अभी हम SSC CGL Tier 1 अगस्त 2017 में पूछे गए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखते हैं। ये क्वेश्चन सारे मैथमेटिक्स पार्ट के हैं और लेट्स सी कि इन्हें हम सॉल्व किस तरह कर पाएंगे। इफ x एंड y आर द टू डिजिट्स ऑफ द नंबर 347xy, ये पांच डिजिट का नंबर है 347xy, सच दैट द नंबर इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 80, वो 80 से डिवाइड हो जाता है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x एंड y, उनको जोड़ करके क्या वैल्यू बनता है। ऑप्शंस आर 2, 4, 6 एंड 8। बेसिकली हमें x और y को जानना है और ये बताना है कि उनको जोड़ करके जवाब क्या आएगा। तो अगर हम लिखते हैं 347xy इज़ डिविजिबल बाय 80, तो हम 80 को पार्ट करें 8 इंटू 10, यहाँ से हमें पता चल जाता है कि ये जो नंबर है उसे 10 और 8 दोनों से डिवाइड होना है। तो अगर उसे 10 से डिवाइड होना है तो जो y है उसे 0 ही होना होगा, क्योंकि कोई भी नंबर जो 0 में एंड होता है वो ही 10 से डिवाइड हो सकता है। तो y मिलने के बाद अब हम बात करते हैं 347x की। अब इसे डिवाइड होना होगा 8 से। अब 8 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि आखिर के तीन डिजिट वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। इसका मतलब हुआ 47x जो भी वो नंबर है उसे 8 से पूरी तरह डिवाइड होना है। तो अब यहाँ पे बेटर ये रहेगा कि हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, इन्हीं ऑप्शंस को बार बार इसमें सब्स्टिट्यूट करके देख लिया जाए कि कौन सी वाली ऑप्शन 8 से डिवाइड हो जाती है। सो विल साइकिल थ्रू द ऑप्शंस। 472 डिवाइडेड बाय 8, हमने 2 को ट्राई किया, 472 बना। 472 को 8 से डिवाइड करते हैं तो 63 आंसर आता है। इसका मतलब है कि जब 472 पूरी तरह डिवाइड हो जाता है तो यहाँ से साबित होता है कि x जो है वो 2 होगा। जब हमें x की वैल्यू 2 मिल ही गई है तो हमें बाकी आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें टाइम नहीं वेस्ट करना, क्योंकि हमारे को बस यही देखना था कि वो 80 से डिवाइड होना चाहिए। तो 10 की वजह से y 0 मिला और 8 की वजह से x 2 मिला, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि x और y का जोड़ वो 2 होगा, विच इज़ दी फर्स्ट ऑप्शन। चलें आगे। ये कहता है कि a, b एंड c कैन कम्प्लीट अ वर्क इन 20, 24 एंड 30 डेज़। a 20 में करता है, b 24 में करता है और c 30 दिनों में उस काम को पूरा करता है अकेले। ऑल थ्री ऑफ देम स्टार्ट टुगेदर, सभी लोग इकट्ठा शुरू होते हैं और 4 दिनों बाद ए जॉब को छोड़ के चला जाता है। तो ए ने 4 दिन के लिए काम किया होगा। बी लेफ्ट द जॉब 6 डेज बिफोर द वर्क वाज कंप्लीटेड, तो काम कंप्लीट होने के 6 दिन पहले। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने काम को 6 दिन कम किया, बेसिकली वही मतलब निकलता है। और बाद में बताते हैं कि सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क अलोन, तो ए छोड़ गया फिर बी छोड़ गया, उसके बाद सी अकेले काम किया होगा। तो सी जो है उसने वर्क पूरे के पूरे जितने भी दिन काम करना है उतने दिन उसने वर्क किया है, क्योंकि वो पहले दिन से लगा हुआ था। सो इन हाउ मेनी डेज वॉज द टोटल वर्क कम्प्लीटेड। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें वैसे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी नहीं चाहिए और ना ही हम करेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो वर्क कम्प्लीटेड इन एक्स डेज मान लीजिए और इसके बेस पे एक इक्वेशन सेटअप कर लीजिए। तो ये इक्वेशन सिंपल इक्वेशन बन जाता है। ये कहता है कि वन डे वर्क ऑफ ए 1/20 होता है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है जो बाकी लोग बताते हैं, वो कुछ एफिशिएंसी वगैरह बताते हैं, पर मेरा तरीका है कि आप हर क्वेश्चन दुनिया का सिर्फ इस बेस पे ही कर सकते हैं कि ये वन डे वर्क निकाल लीजिए। तो इसके डिटेल वीडियो आपको मेरी वेबसाइट पर मिल ही जाएंगे। तो मैं मानता हूँ कि आपको थोड़ा आइडिया होगा, तो सीधा ही लिख दिया है मैंने। सो ए का कंट्रीब्यूशन रहा 4 × 1/20, वन डे वर्क 1/20, 4 दिन काम किया। बी ने 6 दिन कम काम किया था, उसका कंट्रीब्यूशन हुआ x-6 × 1/24, और जो सी था उसने सारे के सारे जो एक्स दिन हैं उन्होंने काम किया, तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा x × 1/30। ये सभी कॉन्ट्रीब्यूशन का टोटल 1 होता है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, जस्ट साइकिल थ्रू द ऑप्शंस। 2 मिनट लगते हैं, एक एक करके डालते जाइए, रिजेक्ट कर लीजिए। तो इसमें हमें पता चलता है कि जो 14 है वो इसमें पूरी तरह से फिट हो जाएगा। ये आप करके एक बार चेक भी कर लेना। चलें आगे।
ए सॉलिड स्फीयर ऑफ डायमीटर, ये डायमीटर है इसका ख्याल रखें 17.5 सेंटीमीटर, इज कट इंटू टू इक्वल हाफ्स, तो पूरा स्फीयर होगा उसे दो पार्ट्स में काट दिया गया। व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया, जब आप इसको काटोगे तो वो दो सर्कल निकल आएंगे, तो कितना इंक्रीज है ये हमें यहाँ पे इसको जान करके बताना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, हमें पता है कि जो इंक्रीज होगा वो होगा दो सर्कल्स की वजह से जो निकल आएंगे काटने की वजह से। तो एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और दो का टू इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको डाल लीजिए, टू इंटू पाई इंटू रेडियस है तो ये आपका डायमीटर था तो हाफ हाफ कर लिया उसको। इसके बाद कुछ कटिंग्स कर लीजिए, ये दो से ये कट गया तो कट कट के ये आपका 11 इंटू 17.5 इंटू 2.5 आ जाता है। कैलकुलेशन हमें फिर भी नहीं करना, हमें यहीं से देख लेना है कि ये 0.5 है 0.5 है, तो 0.5 और 0.5 मिलके 0.25 देंगे आपको। तो इसका मतलब है कि जो आंसर है आपका वो 0.25 में ख़त्म होना चाहिए। तो यहाँ से ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये है और ये भी नहीं हो सकता। तो सिंपल, दिस इज़ दी आंसर। सो ज़्यादा कैलकुलेशन हमें नहीं करनी है। चलें आगे। आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 34% एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹3178। डिस्काउंट 34% है उसका मार्क प्राइस पे और अल्टीमेट इतने में बेचा। व्हाट इज़ द मार्क प्राइस इन रुपीज़ ऑफ द आर्टिकल, कि उस पार्टी उस का मार्क प्राइस क्या था, तो वही हमें जानना है। तो हम यहीं से बना लेते हैं इक्वेशन। अगर सेल प्राइस है 100 माइनस 34, मार्क प्राइस इज 100, नेचुरल है कि अगर मार्क प्राइस 100 है तो उसमें से आप 34% डिस्काउंट दोगे तो वो 66 बिकेगा। देयरफॉर अगर वो सेल प्राइस 3168 है तो मार्क प्राइस कितना होगा, बाय यूनिटरी मेथड 66 नीचे ले आइए और इसको 3168 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और कुछ छोटी बहुत कैलकुलेशन के बाद आप 4800 आंसर उसको निकाल पाएंगे। ये क्वेश्चन कहता है कि इफ 3/7 ऑफ पी इज इक्वल टू 4/11 ऑफ क्यू, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ पी टू क्यू। ये क्वेश्चन तो बेहद आसान है, आपको जस्ट ट्रांसपोज करना है। तो पी के नीचे क्यू आ गया, 4/11 इधर था, ये 7/3 बन गया उधर गुना होके। इसका कुछ आप कटबट कर लीजिए, कटबट तो होती नहीं है, 7/4 28/33, तो यही उन ऑप्शन में है जो मैं यहाँ नहीं लिख पाया। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। चलें आगे, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अब वो कहता है कि द एवरेज ऑफ 17 रिजल्ट्स इज 60, इफ़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 इज 57 एंड दैट ऑफ द लास्ट 9 इज 65, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द 9th रिजल्ट। तो 17 ऑब्जर्वेशंस हैं। ये क्वेश्चन बहुत क्लासिक क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये हर एप्टीट्यूड वाले में आपको मिल ही जाएगा और मेरे वीडियोस में ये बहुत बार डिस्कस हुआ होगा। तो इसमें वो कहता है कि 17 ऑब्जर्वेशंस हैं, उनमें से पहली 9 और आखिरी 9 का एवरेज दिया हुआ है। तो थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे इस बात को तो क्या निकलती है बात, कि जो 9th रिजल्ट है वो सेंटर में है, जो हमें चाहिए। वो कह रहा है कि 9th की वैल्यू क्या है, ये 9th कहाँ है, ये 9th बिल्कुल सेंटर में होगा, तो उसको आप एक्स मान लीजिए। अब सम ऑफ सारी 17 ऑब्जर्वेशन का सम, सारी की सारी 17 का जोड़ क्या होगा, पहली 9 का जोड़ और आखिरी 9 का जोड़, उसमें से x निकाल दीजिए, क्योंकि पहली 9 में भी x आ गया, वो बीच वाला था, इधर भी आ गया और आखिर वाले में भी जोड़ा गया, तो उसको एक बार हमने माइनस कर दिया। तो सारी 17 का सम क्या होगा, 17 का एवरेज जो 60 है, 60 × 17 विच शुड बी इक्वल टू, तो पहली 9 का एवरेज 57, उसको 9 से करिए गुना, आखिरी वाली का 65 दिया हुआ है इसको 9 से करिए गुना और माइनस x निकाल दीजिए। सिंपल कैलकुलेशन। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू, इसको थोड़ा बहुत इधर उधर कर लेंगे तो 122 मल्टीप्लाइड बाई 9 माइनस 60 इंटू 17, ये वाली पिक्चर उसमें से बन के आती है। अब यहाँ भी कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं है आपको, ये थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन तो कर लिया हमने, और उसके बाद ये अगर आप इसको देखो, ध्यान से देखिएगा, ये फिगर जो है 9 × 2 = 18, तो ये 8 में ख़त्म होगी, ये ज़ीरो की वजह से ये वाला जो भी है वो ज़ीरो में ख़त्म होगा, इनका डिफरेंस तो कुछ ऐसे ऐसे नंबर बनेंगे, यहाँ पे ज़ीरो होगा, तो जो आंसर है उसके आखिर में 8 होना चाहिए, मस्ट एंड इन 8, तो इनमें से कौन से में 8 है, 78 में।
सो देयरफॉर 78 इज़ द करेक्ट आंसर। तो देखिएगा इसको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ता है, जोड़ तोड़ करना पड़ता है, लेकिन ये उसके बाद आपको मौका देखते ही अपने शॉर्टकट तरीके अपनाने पड़ते हैं, लगाने पड़ते हैं उस वक्त मौका देखते ही। तो ये खासकर इन चीज़ों को देख लीजिए जो मैं बता रहा हूँ, 0.25 वाला बताया थोड़ी देर पहले, और ये यही चीज़ें हैं जो मेरे कोर्स में बहुत इंटरेस्टिंग रहती हैं। चलें आगे। फॉर एन आर्टिकल द प्रॉफिट इज़ 170% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का 170% उसका प्रॉफिट है बेचने पे। इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 20% बट द सेलिंग प्राइस रिमेन्स द सेम, देन व्हाट इज़ द न्यू प्रॉफिट परसेंटेज। कोई ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं है, तो इसमें चार पांच ऑप्शंस हैं, इसको जस्ट बुनने की बात होती है। लेट अस सी, अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेल प्राइस कितना होगा? 270, तभी 170 रुपये का प्रॉफिट होगा। सीधी बात है, कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेल प्राइस 270 होना चाहिए अगर मुझे 170 रुपये का प्रॉफिट चाहिए। तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस को बढ़ा के 20% बढ़ा के 120 कर दूं, तो सेल प्राइस वही रखना है मुझे 270। देखो सेल प्राइस वही है, सेलिंग प्राइस मीन्स द सेम, 270 का 270, कॉस्ट प्राइस 120 हो गया है, तो प्रॉफिट कितना होगा? 270 माइनस 120 बटा 120, तो प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो नए कॉस्ट प्राइस पे ही होगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसको गुना 100 करिए परसेंटेज बनाने के लिए, और थोड़ा बहुत जोड़ तोड़ करके आपको 125% इसका आंसर मिल जाता है। चलें आगे। 32% ऑफ अ नंबर एक्सीड्स 17% ऑफ द सेम नंबर बाय 120। तो किसी नंबर का 32% निकाल लीजिए, फिर उसका 17% निकालिए, उनका जो गैप है, उनका जो डिफरेंस है वो 120 दिया हुआ है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दैट नंबर, वो नंबर कितना है? तो डिफरेंस इन परसेंटेजेस इज 32 माइनस 17 इक्वल टू 15 अगर वो नंबर 100 है। अगर वो नंबर 100 है तो 32% कितना होगा? 32 होगा। 17% कितना होगा? 17 होगा। तो इसको बुना है कि अगर उनका डिफरेंस 15 है तो नंबर 100 है। तो अब उसने डिफरेंस एक्चुअली कितना दिया हुआ है? 120। तो अगर डिफरेंस 120 है तो नंबर कितना होगा? यूनिटरी मेथड से 100 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 120, तो मेरा ओरल कैलकुलेशन है 800 आ जाएगा, 15 8 120 और वो 800। तो ये बुनने की बात है, वरना आप एक्स वाई जेड में उलझ जाइए तो आप वहाँ पेपर पूरा नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा गॉड गिफ्ट भी चाहिए होता है, बट प्रैक्टिस करें तो हो जाता है। वेबसाइट पे जाओ मेरी, वहाँ पे मैंने बहुत क्वेश्चन डाल रखे हैं, हज़ारों क्वेश्चंस डाल रखे हैं जो फ्री पे डाले हुए हैं, उनको आप चेक कर लेना। अब आगे बताता है, ए पर्सन लेंड सर्टन सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो इस सिंपल इंटरेस्ट पे 5% पे उसने कुछ अमाउंट ऑफ मनी लेंड किया होगा, एंड इन 15 ईयर्स और 15 साल में द इंटरेस्ट बना 250 लेस देन दी सम लेंट, यानी कि प्रिंसिपल से 250 रुपया कम, उतना उसका इंटरेस्ट बना 15 साल में। व्हाट वाज द सम लेंट इन रुपीस, कितना अमाउंट उस पर लेंट किया गया, इनमें से वो ऑप्शन पूछ रहा है। तो वैसे तो आप साइकिल भी कर सकते हो, अदरवाइज इसको वैसे देखें, इंटरेस्ट एट 5% ऑन रुपीज 100 आफ्टर 15 ईयर्स इतना हुआ, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100, 75 रुपये। तो आप 100 रुपया मान लीजिए तो आपका इंटरेस्ट कितना बना? 75 रुपये। तो ये इंटरेस्ट कितना कम हुआ 100 से? 25। अगर इंटरेस्ट 25 कम है तो सम 100 रुपया था, इसका सीधा मतलब ये निकलता है। तो 75 रुपया इंटरेस्ट बना, 100 ओरिजिनल था, तो अगर वो 25 कम है तो सम जो था आपका 100 था, लेकिन हमें कितना कम दिया हुआ है? 250। इफ़ द इंटरेस्ट इज रुपीज़ 250 लेस, तो सम कितना होगा? यूनिटरी मेथड से 25 नीचे 100 ऊपर था गुना 250, तो ये बन गया आपका 1000 रुपया। सो ये बुनने की बात है और कुछ नहीं है इसमें, अदरवाइज ऑप्शन से भी आप यहाँ घूम सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये तरीका है इसका।
अब वो कहता है कि इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू 2 प्लस के रूट ऑफ 3 बाई 2 माइनस के रूट ऑफ 3, ये एक इरेशनल नंबर है, देन एक्स प्लस 1 बाई एक्स क्या है, ये है, ये है या ये है। ये सवाल बिल्कुल आपका क्लास 10th का क्वेश्चन है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में आपको ये जो इरेशनल नंबर होता है उसे एकदम रैशनलाइज कर ही लें। तो उसका तरीका क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर में है माइनस है तो उसको प्लस करके दोनों तरफ ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, रकम में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वही ऊपर वही नीचे गुना किया है। लेकिन जो नीचे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले से ये 1 बन जाएगा, और ऊपर वाला आप उसका ए प्लस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले से देख लेंगे कि ये 4 हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा, तो 2 करके ये वाला आंसर ऊपर सिंपल आ जाता है। तो एक्स की वैल्यू ये है। अब लगे हाथों 1 बाय एक्स की भी निकाल लें। 1 बाय एक्स क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा, ये माइनस ऊपर प्लस नीचे, ये रैशनलाइज, और ये 7 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब इनको जोड़ने की बात है तो एडिंग, ये दोनों आपस में गए कट, तो ये 7 और 7 14 हो गए, तो ये 14 जो है ये दिस इज़ दी करेक्ट आंसर। तो ये बेसिकली ये क्लास 10th का ही क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी बुक में से ही उठाया हुआ है, तो इसमें मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा। तो क्योंकि मैं ये, कई लोग ऐसा भी करते हैं इसको कर लें फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, वो तरीका बिल्कुल गलत हो जाता है। इसको इंडिविजुअली निकालें, इसको इंडिविजुअली निकालें और फिर जोड़ लें, तो आप देखना चमत्कार कि एकदम से आंसर आ जाता है। अब वो कहता है कि इफ़ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस के रूट ऑफ 3, देन वॉट इज के रूट ऑफ 2 पूरे पे 2x का प्लस दिस 1। अब ये बहुत उलझी हुई बात है, ये उसने 3-4 ऑप्शंस दे रखी हैं। अब क्योंकि उसने नन ऑप्शन भी दे रखा है, इसलिए यहाँ अप्रॉक्सीमेशन का तो मतलब कोई है नहीं कि मैं कुछ ना कुछ अप्रॉक्सीमेशन कर लूँ इसको x की वैल्यू यहाँ पे कुछ 2 प्लस 1.7 करके गुना करके डिवाइड करके निकाल लूँ। अब वो उसने नन दे रखा है, इसलिए वो करने का फ़ायदा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका क्या इलाज है, इसको देखिए कि x आपका दिया हुआ है 2 प्लस स्केयर रूट ऑफ 3, तो 1 बाय x पहले निकाल लेते हैं, इसका ज़रूरत पड़ता है। तो इसको हमने फटाफट निकाल लिया 1 बाय 2 प्लस के रूट ऑफ 3 रैशनलाइज करके, ये 2 माइनस के रूट ऑफ 3 और ये मेरे पास आ गया। अब देखें, अब मैं ये कहूँगा कि ये जो इसका 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 आंसर निकालना है मुझे, मैं कह रहा हूँ कि स्क्वायर ऑफ द आंसर, कि जो आंसर है उसका स्क्वायर क्या है, तो इसको स्क्वायर करूँगा, ये बन जाएगा 2x प्लस 1 बाय 2x और ये आपस में 2ab वाले से ये 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो अब मैं x और 1 बाय एक्स को यहाँ फिट कर लूँ, ऊपर से ले आऊँ x और 1 बाय एक्स को, ये आ गया x, ये 1 बाय एक्स, और ये एडजस्टमेंट करके ये फिगर आ जाती है। अब ये क्या है, ये है स्क्वायर ऑफ द आंसर। देखिए ये थोड़ी देखने वाली बात है कि ये थोड़ा उल्टा कान पकड़ा हुआ है, आंसर का स्क्वायर विच मीन्स ऑप्शन का स्क्वायर करके मैं देख लूँ कि मेरा यहाँ मैं कैसे पहुँचता हूँ। तो अब मैं ओरली ये तो हो नहीं सकता, इसका स्क्वायर तो 4 × 3 = 12 हो गया, ये 3 × 9 = 27 हो गया, ये तो दोनों रिजेक्ट हो गए। अब इसका स्क्वायर मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले फार्मूले से, और मैं एकदम देख पाऊँगा कि इसका स्क्वायर जो है वो अल्टीमेटली मुझे यहीं ले आता है। तो ये तरीका आप इसको नोट करें, क्योंकि एग्जामिनर ने, ये टफ क्वेश्चन ज़रूर है पर मैं फिर भी कहूँगा कि ये वो क्वेश्चन नहीं है जो बहुत लंबा है, दिस इज़ नॉट ए लॉन्ग क्वेश्चन। इस पेपर में कोई भी क्वेश्चन सिवाय एक आधे को छोड़ के लंबा नहीं था, एक आधा वो भी मुझे बहुत मुश्किल से देखना पड़ा कि वो मुश्किल होगा नहीं होगा, पर सारे के सारे क्वेश्चन इनके 15-20 सेकंड में होने वाले थे। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहता है कि अगर x प्लस 1 बाय एक्स 4 है तो एक्स 6 प्लस 1 बाय एक्स 6 क्या होगा, ये 4 ऑप्शंस हैं। अप्रॉक्सीमेशन एक रास्ता होता है पर उसे इख्तियार आप तभी करें जब बहुत अति ज़रूरत पड़ जाए, वरना ये अगर आप एसएससी के क्वेश्चन देखते हैं तो ऐसे वाले क्वेश्चंस का स्ट्रेट सिंपल तरीका होता है। तो ये दिया हुआ है, ये निकालना है, तो x प्लस 1 बाय एक्स 4 दिया हुआ है, इसे स्क्वायर कर लें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 करके ये 16 हो गया, वो 2 उधर जाके 14 हो गया, ठीक होगी बात। मुझे यहाँ पहुँचना है, क्यूब कर लें, इसका क्यूब कर लें, इसका क्यूब किया तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये वाले आ गए,
वो 3ab 3a² b वाला फार्मूले से ये 3 इंटू ये वाला आ गया, उधर 14 का क्यूब आ गया। अब क्या हुआ कि ये जो x² + 1/x² वो 14 ऊपर कैलकुलेट किया हुआ था, तो ये 3 × 14 = 14³। सही क्लियर। तो ये x6 + 1/x6 कितना होगा, 14³ - 3 × 14। कैलकुलेशन फिर भी नहीं करना, 14 इज़ ए फैक्टर ऑफ दिस। यहाँ से देखिए 14 × 14² - 13, विच मीन्स जो आंसर है वो 14 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इन ऑप्शंस में से देख लीजिए, ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं है, तो यही बचती है। तो एकदम से आपका बिना कैलकुलेट किए आप इसमें से ऑप्शन सर्च कर सकते हैं, लेकिन हर कदम पे, हर वक्त पे आपको बड़ा तेज़ दिमाग रखना पड़ता है कि कहाँ पे मैं शॉर्टकट मारूँ, कहाँ पे मैं डस लूँ। चलें आगे। यहाँ पे वो कहता है क्वेश्चन कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं है, दिखने में लगता है। इफ वाई इज़ 2 - x / 1 + x, वॉट इज़ 1 / y + 1 + 2y + तो ये लंबा सा चीज़ दिया हुआ है, तो देखिए इसको हम कैसे निकालते हैं। ये ऑप्शन दिए हुए हैं तो क्या करेंगे इसमें आप, कैलकुलेशन तो मैं कभी भी नहीं कहूँगा, आई नेवर से। हालांकि मैं अपने वीडियोस में आपको पूरा तरीका दिया हुआ है कि कैलकुलेट करना है तो कैसे करना है, लेकिन जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो ये क्लासिकल तो आपका बैकबोन होता ही है, पर यहाँ तरीके आपको थोड़े से शॉर्टकट वाले लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ हम क्या करते हैं, हम स्मार्ट वर्क करेंगे। हम ये वाला जो वाई है ना, यहाँ पर सिंपली पहले तो एक्स को 2 डाल लो भाई, x को 2 डालोगे तो y एकदम 0 हो जाएगा। तो पुटिंग y इक्वल टू 0 इन दिस, ये घूम के ये आप देख लेना, ये 1 - 1 करके ये 0 आ जाता है, सही हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैं x 2 इसमें डालूं तो 0 आना चाहिए भाई। x 2 पे y 0 तो हो ही जाता है, लेकिन ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये भी 0 हो रहा है, मुझे इसी का वैल्यू ढूंढना है। इसका मतलब ये इनमें से वो ऑप्शन रखूँ जिनमें x 0 डालने पे 0 हो जाए, तो ये 0 हो रहा है, 2 - 2 0, एक तो ये पॉसिबल है, फर्स्ट हो गई। ये 0 नहीं होगा, ये निकाल दीजिए, ये 0 हो सकता है इसकी वजह से, और ये वाला 0 नहीं होगा, ये तो इन्फिनाइट होया जा रहा है, इसको काट दो। सो फर्स्ट एंड थर्ड आर पॉसिबल। इसके बाद एक और टेस्ट मार लीजिए, अब x को 0 पुट करके देख लीजिए। x को 0 पुट करेंगे तो y 2 हो जाता है। इसका मतलब आपको ये इसमें से और इसमें से वो ऑप्शन ढूंढनी है जिसमें x को 0 डालने से 2 आंसर आ जाए। पुटिंग y इक्वल टू 2, ये 1 / y + 1 + 2y + 1, यही पॉजिटिव होगा। ये आप देखिए y 2 डालेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये वाला ऑप्शन जो है, यानी कि मेरा मतलब ये है कि अगर आप इसमें x 0 पुट करते हैं, इसमें x 0 पुट करते हैं, वो ऑप्शन देखना है जिसमें आपका y के वैल्यू 2 आए। मैंने ये देखा कि जिसमें से मुझे पता चलेगा कि y 2 हो जाता है, तो ये वाला ऑप्शन जो है इसका वैल्यू मुझे मैच करना है। मैचिंग तो मेरे लिए यहाँ कैलकुलेशन फिर पड़ जाएगा। देख ली, थोड़ा दोबारा बता देता हूँ कि मुझे अल्टीमेटली इसका वैल्यू निकालना है ताकि मैं ऑप्शन से मैच कर लूँ। मैंने क्विकली देखा कि x 0 से y 2 होता है, और अगर मैं y 2 इसमें डालूँगा तो आंसर पॉजिटिव होता है, सही हो गया, साइन मुझे पॉजिटिव है। अब मैं यहाँ अगर x 0 डालता हूँ, ये 0 डालने पे ये नेगेटिव हो जाएगा भाई, 2 - 0 - 1 - 0 - 1 नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉजिटिव ही होना चाहिए y इक्वल जो भी x 0 डालूँगा, तो 0 डालूंगा तो y 2 हो जाएगा, और y 2 होती ये पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये वाला एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाता है x इक्वल टू 0 पे, तो ये वाला निकाल दीजिए, इसको वेरीफाई कर लीजिए, ये पॉजिटिव ही रहता है। तो इसका मतलब हुआ कि आपका जो थर्ड ऑप्शन इज़ द ओनली पॉसिबल ऑप्शन। चलें आगे। अच्छा, वो कहता है कि इन ए ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी ए सी इज 50, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी एंड ए सी बी बीट्स एट पी, वॉट इज़ द वैल्यू ऑफ बी पी सी, ये चार ऑप्शन हैं। सो सबसे बढ़िया बात है, जो सबसे पहली बात रहती है, ये छोटा सा डायग्राम बना लें। वो बोलता है कि एंगल बी ए सी 50 है, तो ये 50 दिया हुआ है, ये ए बी सी आपका ट्राइंगल है, उसमें ये एंगल 50 दिया हुआ है, और बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी सी यानी कि इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर दोनों पी पे जाके मिलते हैं। तो मुझे ये बताना है बी पी सी यानी कि
इसका एंगल कितना है। सही होगी बात। तो हम ये देखते हैं कि ये जो पूरा का पूरा ट्राइंगल है, इसमें बी और सी का जो जोड़ है, बी पूरे बी का और पूरे सी का जोड़ है, वो होना चाहिए 180 माइनस ए। ए 50 है तो 130, बी प्लस सी बाय 2 इज़ 65, क्योंकि बाइसेक्टर्स का मुझे ज़रूरत पड़ेगा, तो बी प्लस सी बाय 2 मेरे पास 65 आ गया। अब ये छोटे ट्राइंगल पे जाइए, इसमें देखिए कि ये पी प्लस ये आधा ये आधा, ये इसीलिए इसी को माइंड में रख के ये निकाल लिया था। तो P प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू ये 180 होना चाहिए। ऊपर से आप उसको 65 को ले आएँ तो P प्लस 65 180 होना चाहिए, इसका मतलब P 115 डिग्री होना चाहिए। तो ये क्विकली देख लें, ये ट्राइंगल लॉ का ही एप्लीकेशन है और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। ओके, ये भी ज्योमेट्री से है। टू सर्कल्स ऑफ सेम रेडियस इंटरसेक्ट ईच अदर एट P एंड Q। इफ द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड इज 30 सेंटीमीटर and the distance between the centers of the two circles is 40 centimeter, then what is the radius of the circles? इसके बने अपने फॉर्मूले हैं, मैंने अपने वीडियोस में वहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं, लेकिन इसका जो डायरेक्ट मेथड भी हम कर सकते हैं, तो दो मिनट लगते हैं उसमें। देखिए, ये दो सर्कल हैं, काट रहे हैं पी क्यू पे, यहाँ पे कॉमन कॉर्ड है, ये उनका जो कॉमन सेंटर ज्वाइनिंग लाइन है, तो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉमन कॉर्ड एंड इज बाइसेक्टेड बाय इट। सही हो गया, ये कॉमन कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है और खुद भी बाइसेक्ट होती है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी दी हुई है, 40 दी हुई है। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज 40, ये लंबाई 40, तो अगर मैं इतने पार्ट को देखूं तो ये 20 हो जाएगी। और ये कॉमन कॉर्ड पूरी दी हुई है मुझे 30, अगर मैं ऊपर वाले पार्ट को आधा करूँ तो वो 15 हो जाती है। तो अब ये पाइथागोरस लगाएं इस पर, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम रेडियस विल बी 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। यहाँ भी सीधे बन के कैलकुलेट मत कर देना, इसमें से 5 निकाल लें, 5 इसमें से 5 निकाल लें इंटू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये 4 और 3 जोड़ के 5 बन जाएगा, पाइथागोरियन वाला बन जाएगा, ये 5 ऑलरेडी है, तो 25 आपका आंसर एकदम से आपको मिल जाता है। यहाँ पर एक फिगर उन्होंने ऑलरेडी दे रखी है, इन द गिवन फिगर एंगल क्यू आर एन इज 40 डिग्रीज। तो इस फिगर को देख लें, सर्कल है ये पी क्यू आर और ये एम आर एन, तो यहाँ पे कुछ बता रहा है कि क्यू आर एन ये बाहर वाला 40 है, पी क्यू आर 46 दिया हुआ है, एम एन इज़ ए टेंजेंट, ये टेंजेंट है। व्हाट आर दी एंगल्स एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली, ये तीन एंगल्स उसने पूछे हैं कि वो सीधे सीक्वेंस में क्रम में क्या हैं, 40, 46, 94, 40, 50 या 46, 54, 80, ये कौन सा इनमें से है। तो ये जो ट्राइंगल है आपका पी क्यू आर, स्मार्ट वर्क चाहिए होगा इसमें भी, बच्चे बनके क्वेश्चन नहीं सॉल्व करिएगा। पी क्यू आर ये बड़ा ट्राइंगल, ये ट्राइंगल जो आपको दिख रहा है, इसमें एक्स जमा जेड जमा 40, 180 होना चाहिए भाई, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, इसका मतलब एक्स प्लस जेड 134 होना चाहिए। सही हो गया, अब आगे मत सोचिएगा, बस एक्स और जेड को जोड़ लो जहाँ से वो मिल जाए। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द ओनली ऑप्शन जहाँ पे एक्स और जेड का जोड़ 134 बैठता है, इसके आगे मेरे को नहीं सोचना। सो दिस इज़ दी आंसर, चलें आगे। ओके, यहाँ वो कहता है सिंप्लीफाई कॉट ए प्लस टेन बी बाय कॉट बी प्लस टेन ए, इसका इन ये होगा, ये होगा, ये होगा या ये होगा, क्या सोचते हैं? इसको मैं कॉट कूट करूँगा? नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड वेरीफाई ईच ऑप्शन। ये क्रॉस मल्टीप्लाई टेन बी कॉट ए को, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ टेन बी कॉट ए, इसको मैं इससे, ये इक्वल टू होगा ना, इससे मल्टीप्लाई करके देखता हूँ वो बनता है जिससे, तो आंसर होगा वो। तो फर्स्ट ऑप्शन ही मैंने ट्राई किया, पहली बार में मेरा दाब लग गया, तो टेन बी कॉट ए को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये टेन और कॉट कट के कॉट ए बन जाएगा, ये इधर से टेन ए और कॉट ए कट जाएंगे तो टेन बी बन जाएगा, तो ये दोनों कॉट ए प्लस कॉट बी हो गया, टेन बी हो गया और वो मैच हो गया। तो पहली दफ़ा ही मैच हो गया, तो इसका मतलब हुआ कि टेन बी कॉट ए इज़ द करेक्ट आंसर। प्रेजेंस ऑफ माइंड। ओके, व्हाट इज़ द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ वन बाय कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए होल स्क्वायर, ये या ये। एक तरीका है तो इसको सिंपली आप वो साइन स्विन करके चेक कर लेंगे, वैसे वो भी तरीका ठीक है,
लेकिन हमें सीधे ढंग से तो काम करना नहीं है। द गिवन एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वेयर है भाई, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिए, ये स्क्वेयर है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इनमें से वो देखिए जो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। तो क्या कहते हो, फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जाके सेकंड और टेंथ दोनों नेगेटिव, ये फॉर ऑल एंगल्स है, तो बड़े एंगल भी होंगे छोटे भी होंगे और हर क्वाड्रेंट के होंगे, तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर ये चला जाता है तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो इसका मतलब है कि ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि आंसर को पॉजिटिव रहना है, हटा दीजिए, सही हो गया। सेकंड ऑप्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज कॉस इज न्यूमेरिकली लेस देन वन, कॉस कभी वन से बढ़ेगा नहीं, ये कभी माइनस वन से नीचे नहीं जाएगा, इसका मतलब ये पॉजिटिव रहेगा रहेगा। इसको अभी रख लेते हैं, देखते हैं। अब इसको ऑप्शन को ट्राई करिए, थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट बिकॉज कोसेकेंट इज ऑलवेज मोर देन वन, कोसेकेंट हमेशा वन से ज़्यादा होगा, कोसेकेंट वन से ज़्यादा होगा तो ये ऊपर वाला नेगेटिव, और सेकंड क्वाड्रेंट या फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसेकेंट वैसे ही पॉजिटिव होता है, तो ये वन से ज़्यादा है ये वैसे ही पॉजिटिव है, इसका मतलब टोटल भी नेगेटिव हो जाएगा, तो ये भी हटा दीजिए। और साइन ए का तो हमें चेक करने का है ही नहीं है क्योंकि साइन ए का मुझे वैसे ही पता है कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाके नेगेटिव हो जाता है, तो ये भी हटा दीजिए। अब बचता है ये वाला जो कि ऑप्शन टू इज़ द करेक्ट वन, बस प्रेजेंस ऑफ माइंड और कुछ नहीं है। इसको देखिए ज़्यादा कैलकुलेशन कर सकते हैं इसमें, कोई मेरे को लगता है कि वन बाय साइन ए वगैरह भी करेंगे तो हो जाएगा वो, ओके। अब वो कहता है कि अगर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इज़ वन बाय फोर तो साइन थीटा क्या है, ये है ये है ये है ये है, वैसे देखा जाए तो ये तो हो नहीं सकता एक से ज़्यादा है, तो थोड़ा चेक कर लें कैसे करें। तो इसको आप पहले तो आप कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लें ताकि ये पूरा एक्सप्रेशन ये बन जाए। अब क्या करूँगा, अब मैं इसको सॉल्व थोड़े करूँगा, मेंटली साइकिल थ्रू द ऑप्शंस, ये वन डाल लिया, माइनस वन से ये वन हो गया ज़ीरो हो गया तो ये नहीं हो सकता, सिमिलरली वन नहीं हो पाएगा तो हाफ है जो वही बचता है, सो हाफ इज़ द करेक्ट आंसर। चलें आगे, वो कहता है इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल आर इज 54, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू एट एस मीट्स क्यू आर एट टी, इफ टी पी आर इज 46 देन वॉट इज पी क्यू आर, दीज आर द फोर ऑप्शंस। तो पहले तो फिगर ही बना लिया जाए, देखें इसको, ट्राइंगल पी क्यू आर है, एंगल आर इज 54, ये 54 दिया हुआ है, लिख लें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू एट एस, ये पी क्यू है इसका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और वो एस पे जो बाइसेक्टर है वो टी पे यहाँ पे आके मिलता है। इफ़ टी पी आर, यहाँ से वो टी पी आर बता रहा है कि वो 46 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये एक्स मान लीजिए, ये बताना है मुझे, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ये आपका ये ट्राइंगल, ये राइट एंगल और इधर ट्राइंगल, ये कॉन्ग्रुएंट है, राइट एंगल साइड कॉमन, ये आधी आधी वैसे बाइसेक्टर है तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये वाला एंगल एक्स हो गया। अब यहाँ पे हमने लिख ही रखा है बाय एस ए एस रूल, और एंगल क्यू पी टी इज इक्वल टू, तो ये मतलब ये एक्स है ये एक्स है, तो उसके बाद आप देखिए इस एक्स को इस 46 को इस 54 को इनको जोड़ लें, ये 180 होना चाहिए, जहाँ से एक्स इक्वल टू 40 एकदम से हमारे को निकल आता है। तो कोई बहुत बढ़िया सीन यहाँ नहीं था, ये मतलब है कि ये सारा पेपर सॉल्व है, तो विल क्लोज इट राइट नाउ, थैंक यू।